हेलो दोस्तों, श्री गणेश चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम आपको मूंग दाल तड़का बनाना सिखाएंगे। सो देखिए, इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने जो मूंग दाल एक कटोरी ली थी, उसे 15-20 मिनट पानी में भिगो लिया था और 2-3 बार पानी से धो लिया है। और मसालों में से मैंने लिए हैं ये साबुत धनिया है 1 चम्मच छोटी, 3-4 ये लाल मिर्चें हैं साबुत, 5-7 काली मिर्चें हैं साबुत, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा है और ये 2-3 तेज़ पत्ता है। हल्दी पाउडर लिया मैं 1 बड़ी चम्मच, लहसुन की 4-5 कलियों को मैंने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है। प्याज लिया है 1 मैंने मीडियम साइज के, उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने टमाटर प्यूरी लिया 1 कटोरी, आप चाहे तो फ्रेश टमाटर भी ले सकते हो। नमक लिया 1 चम्मच या स्वाद अनुसार ले सकते हो। आधी छोटी चम्मच मैंने गर्म मसाला पाउडर का लिया है और ये धनिया पाउडर 1 बड़ी चम्मच लिया है। ये कसूरी मेथी है 1 बड़ी चम्मच ली है, आप चाहे तो फ्रेश धनिया भी ले सकते हो। 1 छोटी चम्मच मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है और थोड़ी मैं इसमें देगी मिर्च डाल लूँगी, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये मैंने सूरजमुखी का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हो। पानी लिया है दाल को बनाने के लिए। सो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पे पहले से ही कुकर गर्म करने के लिए रख दिया था और उसमें मैंने तेल भी डाल दिया था। तेल मैंने ये 2 बड़े चम्मच डाले हैं। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें ये खड़े मसाले डालेंगे, इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। देखिए ये हल्के से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ये कटी हुई लहसुन डालेंगे, इसे भी हल्का सा भूनेंगे। देखिए लहसुन भी हमारी हल्की से भून चुकी है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज भी डाल देंगे, इसे अब हम हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। फिर बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। देखिए अब हम मसाले में नमक भी डाल देते हैं ताकि हमारा मसाला जल्दी से भुन जाए। इसे थोड़ा और भुनेंगे। देखिए प्याज को एक बार चेक कर लेते हैं, प्याज हमारा हल्का गुलाबी रंग का हो गया है। अब हम इसमें ये हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं और साथ में ये लाल मिर्ची पाउडर यानी देगी मिर्च, इसे भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनेंगे। देखिए हल्दी भी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें ये टमाटर प्यूरी भी डाल देते हैं और साथ में ये धनिया पाउडर और गरम मसाला और साथ में ये कसूरी मेथी भी, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे तब तक भूनना जब तक मसाले से तेल ना निकल आए और बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे। देखिए मसाले को एक बार चेक कर लेते हैं, मसाले से देखिए तेल निकल आया है। अब हम इसमें ये दाल डाल देते हैं। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए दाल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम मैं इसमें पानी लगाऊंगी, ये मैं 1 लीटर पानी लगा रही हूँ इसमें। आप पानी अपनी पसंद अनुसार लगा सकते हो, आपको कितनी गाढ़ी दाल और कितनी पतली दाल पसंद है उसी हिसाब से आप लगा सकते हो। अब मैं कुकर के ढक्कन को बंद कर दूंगी और 1 सीटी आने का इसका इंतज़ार करूंगी, फिर इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी, फिर चेक करूंगी। देखिए कुकर में सीटी आ गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए कुकर ठंडा हो चुका है, कुकर को खोल कर देख लेते हैं। दाल हमारी बन के तैयार हो गई है, इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। देखिए दाल को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। बहुत ही बढ़िया हमारी मूंग दाल तड़के वाली ढाबा स्टाइल बन के तैयार भी हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए मैंने इसे भिगोकर बनाया है, आप चाहे तो इन्हें बिना भिगोकर भी बना सकते हो। कुकर में डालकर 2-3 बार धो लो और
उबाल लें नमक डालकर, फिर आप बाद में तड़का लगा लें। इस तरीके से भी बनाई जाती है। सो इसे चाहे तो आप चावलों के साथ, चपाती, पूरी, नान, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हो। इसे बनाना बहुत ही आसान है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।